वेलकम बैक गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 का सलूशन, जिसमें आपने पैलिंड्रोम चेक करना था। अब पैलिंड्रोम का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चन वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारी क्वेश्चन वाली फाइल आ गई। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने चेक करना है कि क्या एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, और मैंने आपको ये लिख के भी दे दिया था। तो हम क्या करते हैं, हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं c65.c, एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो हम एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि एक हमारा यूज़र एक इनपुट देगा, एक दफ़ा यूज़र इनपुट दे दे उसके बाद आपको बताना है कि जो नंबर उसने इनपुट किया है क्या वो उल्टा हो के वही नंबर बनता है। अगर तो वही नंबर बनता है तो आपने 1 रिटर्न करना है, अगर वो नंबर नहीं बनता तो आपने 0 रिटर्न करना है। तो ये लॉजिक इंप्लीमेंट करके आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना था। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ज़रा लॉजिक समझा देता हूँ हम करना क्या चाह रहे हैं। मान लो मेरे यूज़र ने एक ये नंबर इनपुट किया, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं ये, मान लो मेरे यूज़र ने ये एक नंबर इनपुट किया, ठीक है, और इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। अब इस नंबर को हम रिवर्स किस तरह करेंगे, मैं क्या करूँगा, इस नंबर को सिंपली %10 लगा के इसको सिंपली 10 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, और तब तक डिवाइड करूँगा जब तक 0 ना आ जाए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ इक्वल टू, जब आप 877 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो होगा 7। तो एक दफ़ा हमारा 7 इधर आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हमारा 7 इधर आ गया उसके बाद हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 877 10 से डिवाइड होके 87 बन गया, ठीक है। फिर हम उसको दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे, मैं दोबारा इसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो इसी तरह जब वो 10 से डिवाइड होगा तो 87 10 8 हज़ार 80 होता है, मेरे पास फिर 7 बचेगा, वो 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। मैं उसको फिर इधर लिख दूंगा, तो इसी तरह करते करते उसी तरह मेरे पास वापस आ जाएगा 8, ठीक है। हमने इस प्रोसीजर को देखना है, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम इसको देख लेते हैं, मैं आपको लॉजिक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का लॉजिक ना समझ आया तो आप पूरा प्रोग्राम नहीं समझ पाएंगे। आपको इसलिए ये लॉजिक लाजमी समझना पड़ेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ इंट, सबसे पहले हम करते हैं इंट रिवर्स्ड, और इसको मैं इनिशियल 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ सेमी कोलन, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ लेट्स रिवर्स दी नंबर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि बाद में अगर कभी मैं अपना प्रोग्राम देखूँ तो मुझे पता हो कि यहाँ पे मैं नंबर रिवर्स कर रहा हूँ। तो इधर हम क्या करेंगे, हम अपना एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, और इसको कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा जो नंबर है नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। नंबर हमारा ये यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पूरा समझाया था, नंबर ये वाला नंबर हमारा यूज़र इनपुट करेगा, तो हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा नंबर 0 ना हो जाए। तो अब इसमें हमने करना क्या, मैं कहता हूँ रिवर्स्ड इज इक्वल टू रिवर्स्ड, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, ठीक है, और इधर मैं करता हूँ प्लस नंबर %10। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर को 10 से डिवाइड किया, और इधर मैं कहता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और इधर मैं सेमी कोलन लगा देता हूँ। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, हमने क्या किया, हमारा लूप चलना शुरू होगा। सबसे पहले फ़र्ज करो हमारे यूज़र ने एक नंबर डाला, ठीक है, वो नंबर इधर आएगा, ठीक है, लूप चलना शुरू होगा। हमारे रिवर्स अभी 0 है, तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, जब पहला लूप चलेगा ये दोनों 0 हैं, तो 0 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये पूरा हो गया 0। मैं इधर आगे लिख देता हूँ, हमारा रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, जब पहला लूप चलेगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नंबर मान लो हमारा 100, उसने मैं कहता हूँ 877 ही एंटर किया, तो इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ 877 उसने एक नंबर एंटर किया, तो इसका क्या मतलब है, जब वो 10 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस 7, यानी कि ये देखें, मैं फिर आपको बता देता हूँ, रिवर्स हमारा हमने इसको 0 रखा था, जब पहला लूप चलेगा ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 आ गया,
और नंबर मान लो 877 है हमारा, जब हम परसेंट 10 करेंगे उसके साथ तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो 7 होगा, तो इधर वो आ जाएगा। अब 0 + 7 रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब वो वापस जाएगा तो रिवर्स हमारा 7 हो जाएगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 7 आ जाएगा। और जब यहाँ से ये नीचे आएगा तो नंबर मेरा 877 था, तो वो हमने उसको क्या कर दिया, नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मेरा लूप दोबारा चलेगा, यहाँ से मेरा लूप दोबारा चलेगा, इधर आएगा, इधर आके अब रिवर्स मेरा था 7, ऐसे ही है, रिवर्स मेरा 7 था इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 10 दर कितना होता है 77, तो इधर मैं लिख देता हूँ ये मेरा 77 आ गया इसका। ठीक है, फिर नंबर मेरा कितना हो गया था, नंबर मेरा हो गया था 87, 87 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, फिर 7 बचेगा, क्योंकि 10 8 दर 80, तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इधर फिर प्लस 7। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये हमारा इधर 70 आएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 होगा। ठीक है, और जब ये 7 इसका 7 जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, नंबर हमारा आप क्या था, नंबर 87 था, 87 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो इधर हमारा नंबर अब हो गया हमारा 8। ठीक है, और हमारा ये जो रिवर्स था ये इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, इसके अंदर वैल्यू आ गई 77। अब ये लूप फिर चलेगा, रिवर्स हमारा था 77। ठीक है, अब 77 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो जाएगा, 770 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आएगा प्लस, ठीक है प्लस, अब नंबर हमारा क्या था 8, 8 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो 10 से छोटा है तो वो 8 एज इट इज आ जाएगा इधर, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा, इधर हमारा 8 आ गया, ये नंबर ये 8 आ गया। ठीक है, फिर नंबर हमारा कितना था, 8 था, तो नंबर डिवाइडेड बाय 10 तो वो 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा हमारा ये 0। ठीक है, क्योंकि 0.8 आंसर आएगा तो इधर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा ये जो रिवर्स क्या है, 770 प्लस 8 तो ये हो जाएगा हमारा 788। ठीक है, तो ये हमारा कोई लॉजिक था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कमेंट वाले को। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं सिंपल इधर नीचे लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ द रिवर्स्ड नंबर इज परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और इधर मैं कोमा लगाऊंगा, बाहर कोमा लगा के मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स्ड। ठीक है, और इधर बाहर मैं लगा दूंगा सेमी कोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं एफ पे, अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें मैं इधर 23 एंटर करता हूँ, तो ये देखें अभी हमने उसको कुछ लॉजिक नहीं दिया तो उसने जो भी था उसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, कहाँ पर हो रही है, इधर पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हम ऊपर जाते हैं, हम लिखते हैं अब इधर लॉजिक लिखते हैं। अब लॉजिक हमने क्या लिखना है, सिंपल मैं इधर लिखूंगा इफ, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नंबर इज इक्वल टू रिवर्स्ड, तो क्या कर दो आपने क्या करना है, इधर मैं इसको कह दूंगा रिटर्न वन, और इधर हम लगा देंगे सेमी कोलन, क्योंकि जब हमारा नंबर रिवर्स के इक्वल हो जाएगा तो वो पैलिंड्रोम होगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, वन रिटर्न करना है। तो फिर मैं इधर कहूँगा else आपने क्या करना है, हम इधर लिख देते हैं रिटर्न जीरो, और इधर मैं सेमी कोलन लगा देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो नंबर मैं इधर लिखता हूँ, तो 425 उसने बिल्कुल सही रिवर्स किया, अब हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। फिर मैं रन करता हूँ, अब मैं इधर लिखता हूँ 252, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी भी वो कह रहा है दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, तो एक बार फिर 252, यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमसे एक थोड़ा सा लॉजिक में मिस्टेक होगी,
हमने क्या किया, जब यहाँ पर हमारा नंबर जीरो हो गया तो वो जीरो लिखी जा रहा है, जीरो उसको जीरो के इक्वल करी जा रहा है, तो इसलिए वो पैलिंड्रोम नहीं कर रहा, वो वन रिटर्न नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, मैं इधर इसको कहता हूँ नीचे इंट नंबर, इसको मैं कह देता हूँ नंबर वन, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इज इक्वल टू नंबर, और इधर मैं लगा देता हूँ इंट नम सेमी कॉलन लगा देता हूँ। हमने क्या किया, हमारा नंबर यहाँ पर जीरो हो रहा था, यानी अब हमारा नंबर जीरो हो गया, तो वो जीरो इज इक्वल टू करके वो इसको इस इधर जाई जा रहा है, इसको वो क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो इसको स्किप कर रहा है। तो अब हमने अपना नंबर को इधर रिजर्व कर दिया और इधर हम कर देते हैं नंबर वन, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो इधर मैं कहता हूँ 254, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 656, फिर मैं इसको रन करता हूँ एक दफ़ा, इधर मैं कहता हूँ 1234321। तो ये देखें, ये उसने रिवर्स किया, फिर उसने बता दिया दिस नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, मैं इधर कहता हूँ 78987, ठीक है, एंटर। तो ये देखें, हम कुछ और भी लिख के देख लेते हैं, 789, एंटर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।